नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी, बिजनेस ट्रेनर, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। फ्रेंड्स, हम लोगों ने एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम किसी भी बिजनेसमैन के बिजनेस रिलेटेड किसी भी प्रश्न को वो पूछना चाहता हो उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। ये प्रश्न आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भी भेज सकते हैं या आप अपने क्वेश्चन को एक वीडियो में सेल्फी मोड पर रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे उन बहुत सारे व्यूअर्स का जिनके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आए हैं, उनके क्वेश्चंस के जवाब देंगे, एक एक करके हर प्रश्न को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और उसके अनुसार उसे अपने बिजनेस में क्या इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए इस पर ध्यान देंगे। तो आइए, इस सीरीज का आज पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और ये क्वेश्चन है गोपाल रावल जी का। उन्होंने कहा कि सर, मेरा टेंट एंड डेकोरेशन का बिजनेस है और मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे कंज्यूमर का बैंक बढ़ता जाए और बहुत सारे लोगों से मेरा बिजनेस रिलेशनशिप बढ़ता जाए। तो कुंवर गोपाल जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आपका टेंट एंड डेकोरेशन का बिजनेस है तो बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ आप डील करते होंगे। जब आप बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आपको उस क्लाइंट की पूरी फैमिली के बारे में पता होना चाहिए, उसकी फैमिली में कितने लोग हैं, किस किस व्यक्ति का कब कब बर्थडे होता है, कब कब एनिवर्सरी होती है। और क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग बर्थडे पर, एनिवर्सरी पर, या ये पता होता है कि कौन सा व्यक्ति या कौन सा उस परिवार का सदस्य किस एज का है, तो कब उसकी शादी होने की संभावना है, तो इस तरह से अपना डेटा मेंटेन करें और उस डेटा के अकॉर्डिंग उनको रेगुलर इन्फॉर्मेशन भेजें कि सर, अगर आप कोई इवेंट कराना चाहें तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग अपने कंज्यूमर्स का डेटा सेव नहीं करते और उसका यूटिलाइजेशन नहीं करते। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक कंपनी के जितने भी आपके क्लाइंट्स हैं उनका डेटा बनाएं, उनके डेट ऑफ बर्थ, उनकी एनिवर्सरी नोट करें और रेगुलर उनको अपने बिजनेस के बारे में इन्फॉर्मेशन भेजें। हो सकता है बहुत सारे लोग ये डिसाइड कर रहे हों कि हमें अपने बर्थडे का कोई सेलिब्रेशन करना है या एनिवर्सरी का कोई सेलिब्रेशन करना है या घर में किसी तरह का फंक्शन करना है, तो वो हमेशा आपके टच में रहेंगे और आप अपने बिजनेस को आसानी से बढ़ा पाएंगे। और गोपाल रावल जी, बहुत सारे वीडियोज हमारे सेल्स के ऊपर हैं, मार्केटिंग के ऊपर हैं, बिजनेस प्रमोशन के ऊपर हैं, आप उन वीडियोज को जरूर देखें और अपने बिजनेस को ग्रो करें। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कुंवर रणवीर साका, ये पूछते हैं कि मेरे पास एक एनर्जी ड्रिंक है, मैं उसकी सेल्स एंड मार्केटिंग कैसे बढ़ा सकता हूं और साथ ही साथ बहुत सारे कंज्यूमर को कैसे अप्रोच कर सकता हूं और अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, उसकी सेल डेवलप करने के लिए किस तरह से ब्रांड के रूप में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो कुंवर साहब, आपके लिए मेरा जवाब है कि अगर आप कोई एनर्जी ड्रिंक बनाते हैं तो उसकी प्रमोशन के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। आप मॉल्स में, आप कॉलेजेस के बाहर, आप स्कूल्स के बाहर एनर्जी ड्रिंक का प्रमोशन कर सकते हैं, वहाँ पर कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स को विनर के रूप में आप कोई भी गिफ्ट प्रोवाइड करें। और साथ ही साथ आपको फोकस करना होगा अपने डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क पर। बहुत सारी FMCG कंपनीज आज डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क पर ही अपने बिजनेस को तेजी से ग्रो कर रही हैं। अपने बिजनेस में आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप का सेगमेंट स्टार्ट करें, डीलरशिप का सेगमेंट स्टार्ट करें, कॉम्पिटिशन्स के माध्यम से एंड डिस्प्लेज के माध्यम से अपने प्रोडक्ट को अपने कंज्यूमर तक पहुंचाएं और अपनी सेल को ग्रो करें। सेल्स को किस तरह से ग्रो करें, डीलरशिप, डिस्ट्रीब्यूटरशिप नेटवर्क का प्लान कैसे डिजाइन करें, इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है कि आप किस तरह से अपने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के नेटवर्क के थ्रू अपनी सेल को ग्रो कर सकते हैं, उस वीडियो को जरूर देखें। और साथ ही साथ एक नाम को ब्रांड कैसे बनाएं, ये भी एक विशेष वीडियो हमने दिया हुआ है कि ब्रांड बनाते समय हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, किस तरह से ब्रांड की प्रमोशन करनी चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे इस YouTube चैनल पर है, आप उसको देखें, अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करें। अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भी पूछ सकते हैं या आप अपना एक सेल्फी मोड पर वीडियो बनाकर अपना क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है वो है मयंक गुप्ता जी का। वो लिखते हैं कि सर, मेरा ज्वेलरी का बिजनेस है और क्या प्लीज़ आप मुझे बताएंगे कि किस तरह से मैं अपनी सेल को बढ़ा सकता हूँ। तो मयंक गुप्ता जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज ज्वेलरी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ रहा है। ऑनलाइन ई कॉमर्स इंडस्ट्री तेजी से डेवलप हो रही है और ज्वेलरी में भी बहुत बड़ा बिजनेस ई कॉमर्स के माध्यम से किया जा रहा है। आप बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनीज के साथ टाई अप करके अपने प्रोडक्ट का शोकेस वहां पर कर सकते हैं। जब अपने प्रोडक्ट को शोकेस वहां पर आप करेंगे तो बहुत सारे कंज्यूमर आपसे ऑनलाइन खरीदेंगे, जिससे आपको एक्स्ट्रा सेल जनरेट होगी, 24/7 आप काम कर पाएंगे, साथ ही साथ एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में एक बहुत बड़े एरिया को आप कैप्चर कर पाएंगे। आज बहुत सारी कंपनीज हैं जैसे Amazon, Flipkart, myabhushan.com एक ऑनलाइन ई कॉमर्स पोर्टल है जहां पर अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप अपना क्वेश्चन सेल्फी मोड पर रिकॉर्ड करके हमें भेजें और साथ ही साथ आप अपने बिजनेस को डेवलप करें ऑनलाइन ई कॉमर्स इंडस्ट्री के साथ। तो अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और ये क्वेश्चन है रुद्रेक्ष KB का कि सर, योर स्पीच इज मोटिवेटेड टू ऑल स्टार्टअप्स, आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम, आई हैव लाइसेंस ऑफ स्ट्रिक्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, हाउ कैन आई इम्प्रूव माई प्रोडक्ट टू मार्केट इन डिफरेंट वे, प्लीज हेल्प। तो रुद्रेश जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ
कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, हर देश में, आप भारत से हैं तो हर देश में अलग अलग जगह पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज होती हैं जो बिजनेस के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आपके जोन की, आपके सिटी की चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री, चैम्बर ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के आप मेंबर बने, जिससे आपको बहुत सारा डेटा आपके तरह की इंडस्ट्री के लोगों का आपको मिलेगा। साथ ही साथ आप एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करें। आज बहुत सारी एग्जीबिशंस भारत सरकार भी लगाती है, केंद्रीय सरकार तो लगाती है, साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत सारे एग्जीबिशंस लगाती है, वहाँ पार्टिसिपेट करें। B2B मीट्स में जाएं, B2C मीट्स में जाएं, जहाँ पर अपने बिजनेस को तेज़ी से डेवलप कर पाएंगे। अब फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है बुराउद्दीन सुल्तान जी का, और वो कहते हैं कि सर, मेरा इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम है, लीडिंग ब्रांड के प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन मार्केट में मेरे जैसे बहुत सारे शॉपकीपर हैं, तो मैं अपनी सेल को, अपने बिजनेस को किस तरह से कम्पीट करूँ, किस तरह से ग्रो करूँ और किस तरह से अपनी सेल को बढ़ाऊँ। तो सुल्तान जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों के इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम्स हैं, प्रोडक्ट्स मल्टी ब्रांड्स के शोरूम हैं, वहाँ पर एडवर्टीजमेंट कंपनी तो करती है, लेकिन आप बहुत सारी स्कीम्स के माध्यम से, बहुत सारे ऑप्शंस के माध्यम से अपने कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके लिए भी यही फार्मूला लागू होता है, आपके जितने क्लाइंट्स हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनके एनिवर्सरी आप नोट करें, रेगुलर उनको थैंक्स मैसेज, विशेज मैसेज भेजें, और जब भी आपका कोई नया अपकमिंग प्रोडक्ट आए आपके शोरूम पर, एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ, एक्स्ट्रा फीचर के साथ या एक्स्ट्रा गिफ्ट के साथ आप उनको सर्व करें और उनको इन्फॉर्मेशन शेयर करें कि आने वाला प्रोडक्ट ऐसा होगा, इसकी जानकारी इस तरह से होगी। आप बहुत सारे ब्रांड्स के साथ टाई अप भी कर सकते हैं, लाइक बहुत सारे शोरूम्स हैं जो आपके सब्स्टिट्यूट हैं, मतलब आपके वाले प्रोडक्ट उनके पास नहीं है पर आपकी इंडस्ट्री से सिमिलर प्रोडक्ट उनके पास हैं। जैसे स्टेनलेस स्टील मॉड्यूलर किचन का हमारा शोरूम है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हमारे जैसे लोगों के शोरूम में लगते हैं, तो उनसे आप टाई अप कर सकते हैं। आप आर्किटेक्ट्स एंड बिल्डर्स से टाई अप कर सकते हैं, क्योंकि आज बहुत सारे बिल्डर्स एंड आर्किटेक्ट्स जहाँ भी फ्लैट्स, बंगलोज, फार्म हाउसेज बनाते हैं, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स लगा के देते हैं, तो वहाँ टाई अप आप कर सकते हैं। आप कॉर्पोरेट्स में टाई अप कर सकते हैं, कहीं भी नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कहीं भी कोई कॉर्पोरेट ऑफिस बन रहा है, तो वहाँ भी अपने प्रोडक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ स्कीम्स कंपनी से पूछकर वो स्कीम्स कंज्यूमर के लिए लॉन्च कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस को तेजी से ग्रो कर सकते हैं। अगला जो कमेंट है वो कोई क्वेश्चन नहीं है, वो एक विशेज है। ग्रेट ब्रो, थैंक्स, कीप इट अप। ठाकुर टिम्मी जी, ये रेगुलर वीडियोस को फॉलो करते हैं, देखते हैं, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये हमारे वन ऑफ द गुड रेगुलर व्यूअर हैं। तो जो लोग अपने क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि रेगुलर आप अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए, बिजनेस रिलेटेड कुछ भी चीज़ आप सर्च कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर बिजनेस रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है, स्टार्टअप से रिलेटेड, डीलर डिस्ट्रीब्यूटरशिप, फंडिंग इवेंट्स, प्रपोजल कैसे बनाएं, सेल्स कैसे डेवलप करें, बिजनेस का एक्सपेंशन कैसे करें, बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स पर यहाँ पर वीडियोज़ हैं। अगला जो मेरा क्वेश्चन है वो है अमित ओबराय जी का, वो कहते हैं काइंडली गाइड मी हाउ आई कैन रन बिजनेस सम ब्रांचेज विदाउट माई पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, विश टू डू बिजनेस लाइक अ गुड ब्रांड। तो अमित ओबराय जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स, कि अगर आप अपने बिजनेस में एक सिस्टम ओरिएंटेड काम करते हैं, तो वहाँ पर आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत कम हो जाती है। एक बार आप सिस्टम को समझ लें कि किस तरह से पूरा बिजनेस काम करता है, प्लस अपने बिजनेस में, क्योंकि आपने बोला कि मैं बहुत सारे ब्रांचेज रन करना चाहता हूँ, किस तरह से फ्रेंचाइजी सेगमेंट डेवलप होता है, एक बार फ्रेंचाइज सेगमेंट डेवलप करना आप सीख जाएंगे, तो आसानी से आप अपने लोगों के साथ मिलकर अपने पूरे बिजनेस को हैंडल कर पाएंगे और बहुत सारे आपके जैसे क्लोन आपके बिजनेस को सक्सेसफुली रन करेंगे। तो एक वीडियो आप ज़रूर देखें कि अपने बिजनेस को फ्रेंचाइज कैसे करें, अपने बिजनेस में सिस्टम ओरिएंटेड सेगमेंट बनाने के लिए बिजनेस प्रपोजल कैसे डिजाइन करें, ताकि आप इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर पाएं और अपने बिजनेस में इन्वेस्टर्स को इन्वाइट करके पूरे भारतवर्ष में फ्रेंचाइजी आउटलेट, फ्रेंचाइजी शोरूम साहब बनाएं। फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है वो है तेजपाल भाटी जी का, और वो लिखते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर वी हैव अ सेलिंग अ न्यू लोडिंग सेगमेंट विद मारुति सुजुकी कैरिंग, प्लीज सजेस्ट सम यूनिक आइडियाज। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, तेजपाल भाटी जी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारी कंपनीज में अपने प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन करती हैं। जो वेट कैरिंग मशीन आपने बनाई है, वहाँ पर आप डेमोस्ट्रेशन देकर भी अपनी कंपनीज का टाइप कर सकते हैं। आपकी मार्केटिंग के लोग हमेशा प्रोडक्ट की एक्सप्लेनेशन करने जाते हैं, लेकिन कई बार जब टेक्निकल गाय के साथ वो वहाँ पर पहुँचते हैं, टेक्निकल इंजीनियर्स के साथ पहुँचते हैं, मशीन के सैंपल के साथ वहाँ पहुँचते हैं, और वहाँ पर उनको प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन दिखाते हैं कि किस तरह से आपकी मशीन लोडिंग एंड अनलोडिंग प्रॉपरली करती है, तो आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस कई गुना ज़्यादा होते हैं।
और कई बार ऐसा होता है कि जिस कंपनी में आप डेमोस्ट्रेशन देने के लिए जो प्रोडक्ट आप लेके गए हैं, कंपनी के ऑनर या कंपनी का परचेज डिपार्टमेंट कहता है कि ठीक है आप उसको यहीं छोड़ दीजिए, मैं एक बार अपने सीनियर्स के साथ डिस्कस कर लेता हूँ और आपका प्रोडक्ट भी दिखा देता हूँ, और कई बार आप हैंड टू हैंड ऑर्डर भी प्राप्त कर पाते हैं। साथ ही साथ जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं वहाँ पर इंडस्ट्रियल एक्सपोज होते हैं, जैसे मारुति सुजुकी गाड़ियों के बारे में आप बात कर रहे हैं, आप लोडिंग एंड अनलोडिंग मशीन्स के बारे में बात करते हैं, तो बहुत सारे एग्जीबिशंस यहाँ पर होती हैं, जैसे ITP ऑर्गेनाइज करता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑर्गेनाइज करता है, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज करता है, तो इस तरह के एग्जीबिशन में आप पार्टिसिपेट करें, अपने प्रोडक्ट अपनी मशीनरीज का डेमोस्ट्रेशन दिखाएं। बहुत सारे B2B ऑर्डर्स आपको नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया इवन फ्रॉम अब्रॉड आपको मिलना शुरू होंगे। इस फार्मूले का अपनी इंडस्ट्री में आप इंप्लीमेंटेशन करें, और कोई भी आपका फर्दर क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगले प्रश्न में उमेश रंजन जी लिखते हैं कि लोग कहते हैं कि आपका प्रोडक्ट महंगा है, इसे कैसे हैंडल करें। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट को अपनी इंडस्ट्री में सेल करना चाहते हैं तो आपके रिप्लाई मिलता है कि आपके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। फ्रेंड्स, प्रोडक्ट के क्या फीचर्स हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उन फीचर से कंज्यूमर को क्या बेनिफिट हो सकता है और आप किस तरह से अपने कॉम्पिटिटर से डिफरेंट हैं, आफ्टर सेल के बाद क्या सर्विसेज आप देने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है किसी भी कंज्यूमर के लिए जब वो किसी प्रोडक्ट को खरीदता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपके पास यही सवाल आता है, यही प्रश्न आपका कंज्यूमर दोहराता है, तो इसका मतलब आपके पास राइट कंज्यूमर तक पहुंचने की रीच नहीं है। आपको वो मेथड ढूंढना होगा जिससे आप सही कंज्यूमर तक अपने प्रोडक्ट को लेकर पहुंचें। एक ही प्रोडक्ट के डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के कंज्यूमर होते हैं, कुछ लोग प्राइस कॉन्शियस होते हैं, कुछ लोग ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, कुछ लोग क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं। तो जहाँ पर प्राइस कॉन्शियस लोग होते हैं वहाँ पर ये क्वेश्चन सबसे अराइज होता है कि आपका प्रोडक्ट महंगा है। कुछ लोग क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रोडक्ट थोड़ा सस्ता हो या महंगा हो, वो हमेशा क्वालिटी को फोकस करते हैं, वो एक पर्टिकुलर बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट ही पसंद करते हैं, वहाँ पर ये डिस्काउंट की बात बहुत कम आती है। और कुछ कंज्यूमर होते हैं जो ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, जो हमेशा ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदना ही पसंद करते हैं, चाहे उनकी क्वालिटी दूसरे सिमिलर प्रोडक्ट से थोड़ी कम क्यों ना हो, लेकिन वो हमेशा ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदना ही पसंद करते हैं। तो इसीलिए चूज योर राइट कस्टमर, कि आपका राइट कस्टमर कहाँ है, वो कहाँ आपको मिलेगा, किस तरह से आप उससे डील करेंगे, किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए राइट मेथड में उसको पिच करेंगे। इसके लिए हमने एक वीडियो दिया हुआ है कि अपने महंगे प्रोडक्ट कैसे बेचें, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर देखें। और कंज्यूमर का फॉलोअप कैसे करें, ये दो सिद्धांत आपको फॉलो करने हैं और आप आसानी से अपनी सेल को ग्रो कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, समय के अभाव के कारण कुछ प्रश्नों को हमने इस वीडियो में शामिल किया, और हो सकता है इन्हीं प्रश्नों में आपके प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे। कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जिनका जवाब आपको अभी नहीं मिल पाया होगा, तो अगले वीडियो में हम उस तरह के क्वेश्चंस को शामिल करेंगे ताकि आपको अपने सवालों का जवाब मिल सके। साथ ही साथ आप इस बात को भी ध्यान से समझें कि मैं और मेरी टीम आपके द्वारा दिए गए सभी प्रश्नों को हम स्टडी करते हैं, उन्हीं के आधार पर हम अपनी अगली वीडियोस को डिजाइन करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके मन में बिजनेस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं, या वीडियो बनाकर आप हमें भेज सकते हैं। अगले वीडियोस में हम सभी सवालों को शामिल करेंगे ताकि आप अपने बिजनेस को डेवलप कर पाएं। जीवन में हमेशा मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।